सारे कमेंटा तो पहला मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा कि भाई रुपये दो सस्ता करता, डीजल भी ते पेट्रोल भी। रुपये दो जी डीजल पेट्रोल गैस सस्ता हो जी, हूँ नहीं नहीं हूँ तो वधाइया लैनिया थोड़े तो, वधाइया लईए कि दईए मैंने ये भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि रौला रप्पा पूरा चलता ना, वह मोदी है तो मुमकिन है, कद कद आह भी काम हो जाता है वह। नहीं चलो वधाई तो देखो सारिया नू हाँ, क्योंकि जो सोमवार टैंकी फुल करवानी होंगी है जी जां डेली किसी ने तड़के कोई दिहाड़ीदार मजदूर आ जदों उन्हें तेल पाउणा हुंदा तो उहदे रोजाना दे बजट दे विचों जे 5 रुपए 4 रुपए भी घट जाण खर्चे चों तो जिहड़े अपने अर्गे आ कट्ठा पवा लैंदे कई बार, जे उहनां नूं किते कोई 20-50 दी बचत हो जावे कोई माड़ी गल नहीं है। पर गल तो यह आ ना कि बई चंगा चपेड़े मार मार के मूँह लाल करन तो बाद कोई कह देवे कि आ मैं उंगल ते शहद लाया चट ला जरा, या कह रहे सॉरी यार, चलो सॉरी कह लो शहद चटा लो कह लो है तो वह गल बनती नहीं ना मान साहब। मैं तुहानू कुछ इहदे ते दस भी देना, हालांकि बहुत सारे लोग कहिंदे यार तैनू खुश किद्दां कीता जा सकदा सारिआं दे, मैं तू तां बाला ही नैगेटिव आदमी है यार, तू तां गल इह आ कि क्योंकि जदों चीज़ां नू तुसीं थोड़ा समीकरणां दे आधार ते देखदे हो, आंकड़िआं दे आधार ते देखदे हो ना, फिर पता लगदा मान साहब जी। लास्ट बार तेल सस्ता कदों होया सी याद करो, मैं उस दिन वालीबाल खेड रिहा सीगा जिस दिन न्यूज़ फ्लैश होई सीगी, मैनू अज भी याद है शाम का वेला सीगा, अज तो तकरीबन 23 महीने पहला जदों बंगाल का इलैक्शन लड़न जा रहे सीगे जी, या लड़िया जा रहा सीगा, काफ़ी फर्क पै गया सीगा यकदम शायद 6-8 रुपए का तो कितने है भी, मतलब 107-108 तक घंटी पहुंची हुई हाँ उस वे, मतलब कि फिर 90 वाले गेट च आ गया ज़्यादातर शहरों से, हालांकि अड अड रेट होंगे शहरों के जी। अच्छा उस तो बाद 23-24 महीनों की होया मैं अज भी याद है, उस टाइम क्रूड ऑयल यानी जिन्हों आप कच्चा तेल आने वो $109 प्रति बैरल से, जे उदों तो बाद अज तक तुम वेखोगे तो वो तकरीबन 20-25% घट गया, मतलब कि 1/4 जी चौथा हिस्सा घट गया, वो भी एक कारण है ओपेक देशों ने बेशक कटौती की है पर दुनिया के बहुत वड्डे हिस्से च स्लो डाउन आ, जदों स्लो डाउन है डिमांड घटती है तो फिर तुहानूं पता है तेल की मंग भी घटूगी जी, पर इंडिया एक बाजार है बहुत वड्डा चलता रहिंदा है। हुण जे तुसीं इंडिया का देखोगे मैं तुहानूं 3 कंपनियां दसदा जिहड़ियां 90% अपनी डिमांड नूं फुलफिल करदियां जी, IOC 8,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा उन्हों का, 1800% ग्रोथ रेट है, शेयर खरीदना किसी ने उन्हों का खरीद लो IOC इंडियन ऑयल या हजूर इन्ना नैट प्रॉफिट है। अच्छा अगे आ जाओ दूजी जड़ी कंपनी अपनी कड़ी है वह BPHL उन्हों का भी एक होर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम जी, एक का 3100 करोड़ तो दूसरे का 800 करोड़ के करीब नैट प्रॉफिट है, चैक कर लो, मतलब कि पूरे मालामाल मालामाल वीकली हो जिवें फिल्म आई सी ना मालामाल वीकली होया पिया सी कम, पर इन्होंने थोड़ी जी राहत जरूर दी है खपतकार नूं, परंतु जिनी राहत वड्डी दे सकते सी उन्नी राहत वड्डी दे के नहीं गए, रेस करके थोड़ा जहा ठीक है तुसी वधाई दे दी कबूल है कबूल है कबूल है, पर जदों इधरों झात मारी दी है ना फिर सच्चाई पता लगती है कि यार कुछ वड्डा होना चाहिए सी, आज कुछ तफानी करते हैं, तफानी करने की जरूरत सी, तफानी करने की जरूरत सी, बिल्कुल गल थोड़ी ठीक है। चौधरी साहब कहने पे जी कच्चे तेल दे रेट है जी अज 78 डॉलर प्रति बैरल जी, 78 डॉलर है तो फिर 25% तो भी मैं लगता है गिरावट ज्यादा बन जाए, ज्यादा बननी सी। हाँ जी हाँ जी, उपर एक वीर कहने पे सी कहने के भाई ये वोटा नेड़े ही हुंदा काम इस तरह का, बंगाल इलेक्शन वेले होया सी उस वेले सस्ता हां जी मैनूं याद है जी बिल्कुल, होर मैं कुछ कमेंट भी देख लेना इस मुतलक होया तां ते नहीं आप इस तो बाद अगे नहीं चलते हैं, कोई गल नहीं भाई कर लें चुनावी बाउंड से भी आप आ जाने
ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਕਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ